हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके लिए हमने दोस्तों जो मेडिकल्स हॉस्पिटल्स में जो आइसोलेशन डिपार्टमेंट बनाए गए हैं कोरोना के लिए, तो उनके लिए हमने एक मोबाइल कंट्रोल मेडिकल सर्विस रोबोट बनाया है। दोस्तों, इसमें हम मेडिसिंस को भेजा सकते हैं अपने पेशेंट्स के पास एक ही जगह से दोस्तों, और हमें वहां पेशेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमने इस मोबाइल कंट्रोल मेडिकल सर्विस रोबोट को बनाया है। और दोस्तों, अगर आप इस रोबोट को घर पर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सर्किट को देखकर ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मटेरियल्स देख लेते हैं कि इस रोबोट को बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक फाइबर शीट की ज़रूरत पड़ेगी इसका बेस बनाने के लिए। फिर दो ब्लॉक चाहिए, उसमें मेडिसिंस रखेंगे जिनके ऊपर हम, और फिर उसके बाद दोस्तों मोटर के लिए टू व्हील्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक L298N मोटर ड्राइवर की, और फिर दोस्तों एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की HC05 की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर दोस्तों एक आर्डिनो यूनो ब्लू, ये माइक्रो कंट्रोलर है, और फिर उसके बाद दोस्तों ये 12 वोल्ट बैटरी है, हमने इसको सेल से बनाया है। दोस्तों, ये राउंडर लगाएंगे, और फिर दोस्तों हम टू मोटर्स लेंगे 200 RPM की, और दो क्लैंप लेंगे मोटर के लिए, और दोस्तों ये स्क्रू लेंगे हम 4 स्क्रू एंड और एक स्विच लेंगे, और ये छोटे स्क्रू हैं, और एक रॉड है ये ग्लू गन के लिए, इससे हम चिपकाएंगे इन सभी को। और दोस्तों, फिर उसके बाद ये मेल टू मेल और मेल टू फीमेल जंपर वायर हैं कुछ। इसके बाद दोस्तों हम इनको साइड कर देते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों हम इस रोबोटिक कार को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेस लेते हैं उसका, और इसमें हम दोस्तों इन दोनों क्लैंप को लगाएंगे स्क्रू के थ्रू, तो इसके नीचे की साइड हम इन्हें फिक्स कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम 4 स्क्रू लेंगे, और इन दोनों क्लैंपों में 2-2 स्क्रू को हम कनेक्ट कर देंगे, और इनको स्टेबल कर देंगे इसी फाइबर सीट में। तो देखते हैं हम इन्हें कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हमने दोनों क्लैंपों को फिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम एक राउंडर लेते हैं, इस राउंडर को भी हम इसी फाइबर शीट में आगे की साइड चिपका देते हैं, जिससे हमें 2 मोटर्स एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमने इसको फिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम 200 RPM की 2 मोटर्स लेते हैं, और इन दोनों क्लैंपों में इनको फिक्स कर देंगे हम। दोस्तों, हमने इन मोटर्स को फिक्स कर दिया इन क्लैंप में। फिर इसके बाद दोस्तों हम इन सभी वायर को ऊपर की साइड निकाल लेते हैं फाइबर शीट में। इसके बाद दोस्तों हम इन दोनों मोटर्स में व्हील्स को कनेक्ट कर देंगे, तो इसके लिए फिर हम इन्हें एक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू इन दोनों मोटर्स में इन व्हील्स को फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे दोनों व्हील्स कनेक्ट हो गए हैं, और इसका नीचे का बेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिर दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम इस पे 12 वोल्ट बैटरी को फिक्स करेंगे इसके ऊपर। उससे पहले दोस्तों हम इसमें वायर को कनेक्ट कर लेंगे,
इस वायर में स्विच कनेक्ट है। तो दोस्तों हम इस वायर को बैटरी के पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद दोस्तों एक और वायर लेते हैं और इसे बैटरी के नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे। तो ग्रीन वायर ये नेगेटिव है और ब्लू वायर है वो पॉजिटिव है। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसे इसी फाइबर शीट में चिपका देंगे ग्लू के थ्रू। तो दोस्तों हमने इसको फिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम स्विच को भी इसी में चिपका देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम एक मोटर ड्राइवर लेंगे, L29A10 मोटर ड्राइवर है। इसमें 4 आउटपुट हैं और इसमें 4 इनपुट पिन हैं और एक 5 वोल्ट, एक 12 वोल्ट और एक ग्राउंड पिन है। दोस्तों हम इसे भी ग्लू के थ्रू चिपका देते हैं इसी फाइबर शीट में। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो हमने जो पॉजिटिव था बैटरी का जो स्विच से कनेक्ट है, तो उसको हमने L293D मोटर ड्राइवर के 12 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया और बैटरी के ग्राउंड को हमने मोटर ड्राइवर के ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया और एक ग्राउंड से हमने एक जम्पर वायर को भी कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। और फिर दोस्तों इसके बाद हमने एक रेड जम्पर वायर लिया है, उसके मोटर ड्राइवर की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर दिया है उसे। फिर इसके बाद दोस्तों हम इसके और भी कनेक्शन करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम एक आर्डिनो यूनो बोर्ड लेते हैं और इसमें हम प्रोग्राम को पहले अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए हम इसे OTG केबल के थ्रू अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो दोस्तों हम इसमें बोर्ड को सिलेक्ट कर देते हैं, पहले आर्डिनो यूनो, फिर इसके बाद दोस्तों हम इसमें पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी COM16 केबल है हमारी पोर्ट है, और फिर इसके बाद दोस्तों हम इसे अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हम अपने आर्डिनो यूनो बोर्ड को निकाल लेते हैं और फिर हम इसको इसी फाइबर सीट में फिक्स कर देंगे ग्लू के थ्रू। तो दोस्तों हमने इसको फिक्स कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके भी कनेक्शन करेंगे। इससे पहले हम दोस्तों एक वायर को और हम मोटर ड्राइवर के 5 वोल्ट पिन में एक जम्पर वायर और कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास 2 5 वोल्ट के हैं और एक ग्राउंड का जम्पर वायर है जो मोटर ड्राइवर से कनेक्ट है। फिर इसके बाद दोस्तों मोटर ड्राइवर का जो ग्राउंड का वायर है उसे आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। और फिर दोस्तों जो 5 वोल्ट का वायर है, जो रेड वायर है L298N मोटर ड्राइवर के, उसको हम आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब ये ग्रीन वायर बचा है। और फिर इसके बाद दोस्तों हम एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लेते हैं HC05। दोस्तों इसका जो VCC पिन है, वो ग्रीन वायर जो हमने 5 वोल्ट में कनेक्ट किया था, इसके VCC में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों हम और भी कनेक्शन करते हैं। ब्लूटूथ मॉड्यूल के ग्राउंड को हम आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड में। फिर इसके बाद दोस्तों हम एक और जम्पर वायर लेते हैं और ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX पिन को हम आर्डिनो की RX पिन में कनेक्ट कर देते हैं एक जम्पर वायर के थ्रू, और फिर दूसरे को हम ब्लूटूथ मॉड्यूल की RX पिन में कनेक्ट करेंगे और आर्डिनो की TX पिन में कनेक्ट कर देंगे इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। और फिर इसके बाद दोस्तों हम इसको भी इसी फाइबर सीट में चिपका देते हैं ग्लू के थ्रू। फिर इसके बाद दोस्तों हम 4 जम्पर वायर लेते हैं मेल टू फीमेल, और पहली जम्पर वायर को हम मोटर ड्राइवर की इनपुट 1 में कनेक्ट करके और आर्डिनो की 6 नंबर पिन में कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी इनपुट को हम आर्डिनो की 7 नंबर पिन में कनेक्ट कर देंगे, और तीसरे इनपुट को हम आर्डिनो की 8 नंबर पिन में कनेक्ट कर देंगे, और मोटर ड्राइवर की 4 इनपुट पिन को
हम आर्डिनो की पिन नंबर 9 में कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों हमारे मोटर ड्राइवर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं जो आर्डिनो से करने थे। फिर इसके बाद दोस्तों हम मोटर के कनेक्शन करेंगे अब मोटर ड्राइवर से। तो दोस्तों हम एक मोटर के कनेक्शन एक साइड कर देंगे मोटर ड्राइवर के, और दूसरी मोटर के कनेक्शन हम मोटर ड्राइवर के दूसरी साइड कर देंगे। बट हम वायर को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर देंगे, जैसा इसमें हमने किया है वैसे ही कनेक्शन आपको भी करना है। तो दोस्तों हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं इस डिवाइस के। फिर इसके बाद दोस्तों हम 4 स्क्रू लेंगे और इस फाइबर सीट के चारों कोनों पर इनको स्टेबल कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम इन पर 2 ब्लॉक्स को फिट करेंगे। तो उससे पहले हम इन सभी स्क्रू को फिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले पहला ब्लॉक्स लेते हैं और उसे हम इन्हीं स्क्रू पर स्टेबल कर देते हैं, और ऊपर से हम स्क्रू के थ्रू फिक्स कर देते हैं जिससे कि ये स्टेबल रहे। तो दोस्तों हमारा पहला ब्लॉक्स कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद दोस्तों दूसरे ब्लॉक को लगाने के लिए उससे पहले हम 6 स्क्रू लेते हैं और इनके फिक्स करने के लिए भी लेते हैं, और फिर दोस्तों हम इन 6 होल्स में इन्हें स्टेबल कर देते हैं पहले ब्लॉक्स के। और दोस्तों जैसे हमने इसको फिक्स किया है वैसे ही आपको भी फिक्स करना है इसको बनाते टाइम। तो दोस्तों हमने 6 स्क्रू को लगा दिया है पहले ब्लॉक्स में। अब दोस्तों इन्हीं के ऊपर हम दूसरे ब्लॉक्स को रख देंगे और फिर हम स्क्रू से उसे स्टेबल कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये मेडिकल सर्विस रोबोट तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसे कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल में
प्ले स्टोर ओपन करते हैं और फिर हम इसमें टाइप करते हैं, टाइप करेंगे मोबाइल ब्लूटूथ कंट्रोल कार। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों ऐप इंस्टॉल हो गया, फिर इसके बाद दोस्तों हम बैक आ जाते हैं और फिर इसके बाद दोस्तों हम अपने डिवाइस के ब्लूटूथ को ऑन करते हैं, पूरे सिस्टम की पावर को ऑन कर दिया हमने स्विच के थ्रू। तो दोस्तों हम मोबाइल के ब्लूटूथ और डिवाइस के ब्लूटूथ के बीच पेयर बनाएंगे, तो उसके लिए हम पहले ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं अपने मोबाइल के। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो ऑल डिवाइस में न्यू वन डिवाइस आ रही है तो उस पर टैप करते हैं, तो इसमें पासवर्ड कोड मांग रहा है, तो इसमें 1234 जो उसी में रहता है उसको टाइप करेंगे और पेयर बना देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम अब ऐप को ओपन करेंगे, तो इसमें इसको अलाउ कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों अब हम कनेक्ट करेंगे, तो इसमें जो SC05 है इस पर टैप कर देंगे तो ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब कंट्रोल होने लगेगा अब। तो दोस्तों हम इस तरीके से इस ऐप के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए, हम एक हॉस्पिटल में, तो दोस्तों हम एक रेलवे हॉस्पिटल में गए थे झांसी के, तो अब दोस्तों हम इसकी टेस्टिंग करते हैं।